ट्रामा अस्पताल कंगन में डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की कमी की वजह से बीमारों और तीमारदारों को सख्त मुश्किल दरेश है। इस अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीजों का इलाज मुआलजा किया जाता है, जबकि अमरनाथ यात्रा के दौरान अस्पताल में भारी रश रहता है। लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से अस्पताल में तैनात डॉक्टरों को यहां से तब्दील करके दीगर अस्पतालों में तैनात किया जा रहा है। हाल ही में अस्पताल में तैनात बच्चों की एक डॉक्टर समेत 2 डॉक्टरों की तब्दीली लाई गई, जिससे ट्रामा अस्पताल आने वाले मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। सिविल सोसाइटी कंगन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ ने इस सिलसिले में वैली ऑनलाइन को बताया कि हाल ही में जिले तरक्याती कमिश्नर गांदरबल ने कंगन में कई वफद से मुलाकात की, जहां सिविल सोसाइटी अराकीन ने इन्हें इस तनाजिर में एक मेमोरेंडम भी पेश किया था, लेकिन चंद दिनों बाद ही मजीद 2 डॉक्टरों को यहां से तब्दील किया गया। उन्होंने कहा कि अगर जिले इंतजामिया और महकमे सेहत ने ट्रामा अस्पताल में डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी को दूर नहीं किया तो सिविल सोसाइटी कंगन सड़कों पर निकल आने के लिए मजबूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। हम वैली ऑनलाइन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बार बार जो कंगन के मसाइल है, कंगन के लोगों को जो दरपेश मसाइल है, उनको उजागर करने में एक अहम रोल अदा किया है। खासकर जो कंगन की बात हम करते हैं, मतलब आपको खुद ही पता होगा कि कई सालों से आप इस पे बाइट कर रहे हैं, आला हुकाम से इसके बारे में पूछ रहे हैं, और हम सिविल सोसाइटी इस बारे में, हमने डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जो इससे पहले पीयूष सिंगला साहब थे, उसके बाद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बशीर खान, उसके बाद एडवाइजर टू गवर्नर खुर्शीद गनई, उसके बाद हाल ही में हमने चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के नोट्स में भी ये लाया और ग्रीवेंस सेल में भी एक कंप्लेंट आई बहुत सारे इशूज के बारे में। खासकर जो उसमें जो इशू है वो ट्रामा हॉस्पिटल कंगन का है। ट्रामा हॉस्पिटल कंगन में, कंगन को अगर हम ट्रामा हॉस्पिटल न कहे तो ठीक रहेगा, एक डिस्पेंसरी इसको अगर नाम दिया जाए, ताकि जो कंगन के अवाम है, हरिपुरा से लेके सोनमर्ग तक एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और आपको पता है कि इसमें इस हॉस्पिटल में रोज 900 से 1200 मरीजों को डॉक्टर देखते हैं, और यहाँ पे पोस्ट अनफिल है, 34 पोस्ट अनफिल है, मेडिकल ऑफिसर्स की 3 पोस्ट वैकेंट है, और नर्सिंग की 8 है, टेक्नीशियन की 8 है, स्वीपर्स की 5 है, और बाकी अदर 4 पोस्ट वैकेंट है। टोटल ये 34 पोस्ट वैकेंट है। हाल ही में मैं आपको बताऊं कि जामिया औकाफ कंगन, ट्रेडर्स यूनियन कंगन, सिविल सोसाइटी कंगन, जो इनहेबिटेंट्स कंगन के लोग हैं, इन्होंने इस मसले को बार बार उठाया, आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की, बहुत सारे हायर ऑफिशियल से मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी इस मसले को हल करने की कोशिश अब तक की। अगर की होती तो शायद हमें नहीं लगता कि ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता कि एक तो 34 पोस्ट की कमी है, और कल ही यहाँ पे एक पेडियाट्रिशियन डॉक्टर था अख्तर रसूल, उसको भी यहाँ से ट्रांसफर किया गया, और उसके साथ ही और 2 डॉक्टरों को यहाँ से ट्रांसफर किया गया। इसके बारे में डायरेक्टर को सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए कि विद इन डिस्ट्रिक्ट, ये हम नहीं कहते हैं कि इनको जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है गांदरबल के, आप वहां पोस्ट न रखें, वहां पे पोस्ट को फिलअप न करें, वो हमारी शान है, लेकिन अगर उनको इसके उसको एक मतलब लाहे अमल बनाना चाहिए कि हमारा कंगन का ट्रामा हॉस्पिटल है, नेशनल हाईवे के सामने है, यहाँ पे कैजुअलिटीज होती है, यहाँ पे मुहमली कैजुअलिटी होकर हमें पेशेंट को सोरा रेफर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको इसके मुतबादिल पहले सोचना था। हमने कल क्या कहते हैं इसको, हाल ही में मीटिंग की थी डिप्टी कमिश्नर गांदरबल से, जो नए आए हशमत अली, हमें काफी तवक्कात है उनसे कि हमारे मसले हल करेंगे, खासकर जो ट्रामा हॉस्पिटल कंगन का है, उनकी नोट्स में भी लाए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से क्या हुआ, ये हुआ कि और 2 डॉक्टर और 3 डॉक्टर यहाँ से ट्रांसफर किए गए। हम अल्लाह हुकाम से यही गुजारिश करते हैं, हमारी अल्लाह हुकाम से गुजारिश है, चाहे वो गवर्नर इंतजामिया से हो, डायरेक्टर कश्मीर हेल्थ से हो, और खासकर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल और एसडीएम से गुजारिश करते हैं कि फिलहाल इनको रिलीव न किया जाए, इन 2 डॉक्टरों को इनको रिटेन यहाँ पे रखा जाए जब तक इनका मुतबादिल यहाँ पे हो। अदरवाइज आपको पता ही है कि ये ट्रामा हॉस्पिटल, मैंने आपको अभी कहा कि 34 पोस्ट वैकेंट है हमारे हॉस्पिटल कंगन में, हम अगर ऐसा ही देखने को मिला तो मुझे नहीं लगता ये किसी हिसाब से ट्रामा हॉस्पिटल, ये एक ड्रामा हॉस्पिटल बन गया है। और मैं आपको बताऊं कि सुपरिटेंडेंट मैम क्या करेगी, हम यहाँ से जाके सुपरिटेंडेंट मैम के पास जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सुपरिटेंडेंट मैम को कि मैम यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, उनके हाथ में क्या है, जब हम हायर ऑफिसर से मिले, जब हम एडवाइजर गवर्नर से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने इस मसले को हल नहीं किया। सुपरिटेंडेंट मैम इतना ही कर सकती है कि जो उनके पास डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनको वो उनकी सर्विस को यूटिलाइज करके हमें एक अच्छा मतलब
हमें एक मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा हालत सिनेरियो हमें दे सकती है, लेकिन जब उसके पास ऐसा कुछ नहीं है तो हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि एक मरतबा फिर हम यही गुजारिश करते हैं कि ट्रामा हॉस्पिटल में ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, जो भी ट्रामा हॉस्पिटल में फैसिलिटीज होनी चाहिए इसको पूरी तरह से फंक्शनल किया जाए, अदरवाइज इसको बंद किया जाए। ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स को एक नॉर्मल प्रोसीजर से ट्रांसफर हुई है, जो हमारा पीडियाट्रिशियन है उसकी ट्रांसफर वहाँ से हुई है और एक एनेस्थेटिस्ट की ट्रांसफर हुई है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये पोस्ट भी फिलअप हो जाएंगे, हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है, अनकरीब ही इंशाल्लाह हमारे डॉक्टर्स आ जाएंगे। तब तक के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ऑन रोटेशन बेसिस जो है पीडियाट्रिशियन को भेजेंगे और रेगुलरली भेजेंगे, हर दिन पीडियाट्रिशियन जो है वो अवेलेबल होगा। इसी तरीके से अभी एनेस्थेटिस्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक एनेस्थेटिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, दूसरे की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम रोटेशन बेसिस पे यहाँ से कादरबल से भेज देंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट का पूरा हॉस्पिटल होता है, वो उसके लिए वहाँ पेशेंट का रश ज़्यादा होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अरेंज किया है, हम इसको फॉलो करेंगे।